नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर मनोज आर पांडे। दोस्तों, क्या चमार की कोई इज्जत नहीं है? चमार समझते हैं आप? चमार किसे कहते हैं? हरिजन। क्या हरिजन की कोई इज्जत नहीं है? है ना। पहले एक साउंड सुनाता हूं, उसके बाद बात करता हूं। मादर जो तुम इतनी इज्जत से बोलते हैं, बहुत बड़े वाले रंडी की और जो तुम बड़े के इंसान, बहुत बड़े वाले जमार उमर हो क्या बे? जमार उमर नहीं तो तुम मिलते ही नहीं हो। सुनो, ब्राह्मण की औलाद होगी ना प्रॉपर, अगर नहीं मिले तो तुम्हारी माँ रांडी होगी साली। चल लिख रहा है, साउंड आप लोगों ने सुन लिया। चमार वमार हो क्या? क्या मतलब चमार यही सब करता है? एक हरिजन यही सब करता है जो उसके तुलना दे रहे हो? की आवाज है विवेक की, पूरा नाम है विवेक सिंह। विवेक, पहले भी आपको हमने समझाया था कि बदतमीजी मत करना, बदतमीजी मत करना, अपनी जबान पे लगाम लगाना, पर आप नहीं माने। दलाली इतनी मत बढ़ाओ कि लोग तुमको भूल जाएं और तुमको उठा के ना किसी केस में अंदर डलवा दें। हरिजन एक्ट का मतलब समझते हो या मैं बताऊं? क्या चमार, सूद, पासी, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण किसी की कोई इज्जत नहीं है? या यूं कह लूं, तुम विवेक सिंह हो तो सिर्फ तुम्हारी नजर में सिर्फ ठाकुरों की इज्जत है, या तुम जिसकी दलाली कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो खाली यादवों की इज्जत है, न चमारों की इज्जत है, न सूद, ना पासी, किसी की इज्जत नहीं है, ब्राह्मणों की भी इज्जत नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है। ये जो जातिवाद का बीज तुम बो रहे हो ना, सुधर जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूं, अब सुधर जाओ, क्योंकि अब तुमको मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। मैं जाहिल नहीं हूं, मैंने तुमको बताया था, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं जाहिल नहीं हूं। लास्ट टाइम मैंने बहुत सोचकर मैंने बोला चलो ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाएगा, मैंने माफ कर दिया, आपकी पूरी टीम को माफ किया। क्या गलत कहा उस इंसान ने? निलुआ तोरा पिलुआ पड़ी। तुम्हारी बहन बेटी है ना, तुम्हारी बहन बेटी पे अगर कोई कुछ कह दे तो बुरा लगता है ना, तो दूसरे की बहन बेटी पे क्यों गलत कहते हो, क्यों गंदा गाना बनाते हो? निलुआ किसी की बहन भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, और निलुआ के साथ अच्छा नहीं होगा, पिलुआ ही पड़ेगा उसको। मैं भी सोच रहा हूं कि दो दो टाइटल, मैंने भी सोचा है कि उस टाइटल पे मैं भी एल्बम निकाल दूं। अगर इन दर्शकों की, मेरे दर्शकों की राय हो ना तो मैं निकाल दूं। और पहला टाइटल है खेसरिया को कीड़ा पड़े, किरवा पड़े, खेसरिया को किरवा पड़े, खेसरिया जल्दी मरे। अभी तो मैंने एक मर्द हो ना, मर्द की बात की है। तुम जैसा मौगा वाला हरकत मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने सही में बता दिया, तुम एक नंबर के मौगा हो जिसके अंदर मर्दानगी नाम की कोई चीज नहीं है, जो मां बहन की बिल्कुल इज्जत नहीं करता है, अपना खाली कहीं से पब्लिसिटी मिल जाए उस चक्कर में मां बहन बेटी किसी को भी बेच सकता है, किसी को भी बाजार में लाकर खड़ा कर सकता है। पब्लिक को ये कहोगे मेरे नाम से किसी ने कुछ कह दिया तो ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और दूसरे का नाम का तुमने ठेका ले रखा है कि दूसरे के नाम पे तुम कुछ भी कहोगे। तुमको पहले भी समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था कि बदतमीजी मत करो, मानवता को तार तार मत करो, पर नहीं माने। निलुआ तोरा पिलुआ परी,
कभी कहोगे चाची की बाची सपनवा में आती, कभी बहन को सपने में लाओगे, कभी किसी बहन बेटी के नाम से गाना गाओगे सिर्फ इसलिए क्योंकि लाइक और व्यूज बढ़ जाए। अरे ब्लू फिल्म जो होती है ना पॉन साइड, उस पर चले जाओ देखो, गंदी चीजों के भी बहुत सारे व्यूज होते हैं, गंदी चीजों के व्यूज होते हैं, अच्छी चीजों के व्यूज लेकर आओ तब पता चले। चंद गाने क्या गिरने लगे, तुमने फिर वही हरकत चालू कर दी। पूरा समाज तुम्हारे बाप की बपौती है ना, तुम्हारे बाप ने उसको अपने अपने पास गिरवी रखा है। अभी मैं भी दो टाइटल ला रहा हूं बताना, खेसरिया मैं लेके आऊंगा, अगर आप लोगों की अच्छी राय हुई ना तो मैं जरूर ला दूंगा। खेसरिया को किरवा पड़े, खेसरिया जल्दी मरे, और विवेक ये जो दलाली तुम कर रहे हो ना और बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो और ऊपर से कह रहे हो चमार हो क्या, चमार हो क्या, चमार हो क्या, अरे चमार की कोई इज्जत नहीं होती, हरिजन की कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई मान सम्मान नहीं है कि तुम उसकी तुलना दे रहे हो और कह रहे हो, दूसरे को कह रहे हो जातिवाद की बातें कर रहे हो, ऊपर से ललकार रहे हो कि अगर ब्राह्मण हो, असल ब्राह्मण हो, असल ब्राह्मण हो तो आके मिलो, आके मिलो। उसमें असल ब्राह्मण की क्या बात आ गई बताओ, कि तुमने सारे ब्राह्मणों को, सारे जो हरिजन भाई हैं उनको सबको तुमने तार तार कर दिया, सबको एक लाइन में लिया है, मतलब तुम ही एक असल हो, बाकी सब असल नहीं है, बाकी सबकी कोई नस्ल ही नहीं है। हाँ असल ब्राह्मण हो तो मिलके दिखाओ, मैं असल ब्राह्मण हूं मनोज आर पांडे, कहां मिलना है बोल, मैं बॉम्बे में हूं कहां मिलना है बोल। अब मैं तुझे कह रहा हूं अगर तू एक बाप की औलाद है तो तू मुझसे मिलके दिखा, और जिस तरह तू गलत काम करके तेवर दिखाता है मेरे सामने दिखा, अगर तू एक बाप की औलाद है तो या तो तू सुधर जा, तूने मां का दूध पिया है बाकी सबने क्या पिया है, दूध नहीं पिया है, तुझे अपने मां बहन की इज्जत नहीं है, उनका सम्मान नहीं, हमको है। नहीं चाहता था बीच में बोलना, बिल्कुल नहीं बोल रहा था, मजबूर कर दिया। तुम्हारी टीम समझती क्या है, वे खुद को गलत वर्ड यूज नहीं करता मैं, करना नहीं चाहता हूं मैं, क्या समझती है तुम्हारी टीम, चार टुटपुंजे गंदी गंदी चीजें कर करके। एक चीज याद रखना, अगर सेंट की उतनी खुशबू नहीं आती जितना कोई अगर पीछे से आके पाद देना तो ज्यादा बदबू फैलती है, वो पाद हो तुम लोग जो सिर्फ गंदगी फैलाते हो। भोजपुरी का नाम भोजपुरी है, भजपुरी भजपुरी भजपुरी, अरे यार प्रोनाउंसिएशन खराब करके रख देते हो, ऊपर से बदतमीजी वाली बातें करते हो और दूसरे को धमकाते हो, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ज्यादा नहीं कहूंगा, अब वेट एंड वॉच, रिजल्ट देखना। और जो कहा है ना चमार चमार चमार, चमार क्या होता है ना, चिंता मत करो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दोस्तों मैं खुद कहूंगा इनको बताओ कि हरिजन एक्ट होता क्या है, इनको बताओ कानून का डर क्या होता है, ठीक है। इनकी तरह अगर मैं चाहूं ना जो सीना चोरी कर रहे हैं, इनकी औकात ही नहीं है मेरे से सीना चोरी कर रहे, खुल के कहता हूं इनकी औकात नहीं है मुझसे सीना चोरी कर ले, अगर हिम्मत है तो करके दिखा, हां मैं असल ब्राह्मण हूं, मैं जातिवाद नहीं करता, मैं हर धर्म की इज्जत करता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, यादव ठाकुर कोई भी हो, सबकी इज्जत करता हूं। लेकिन अगर तू ललकार रहा है तो सुन, मुझे बता, मैं तुझसे मिलता हूं, तू जानता है ना मैं कहां हूं, बॉम्बे में ही हूं ना, बता मुझसे आके मिल, बहुत बड़ा मर्द है मुझसे मिल, मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। जय श्री राम।